मोनिका गई काम पे, तमें पता ना है। झाड़ू लगाना जाती है तो सब धज के जावे, जैसे दफ्तर जावे। तो के होया फिर, जब उसकी खुशी इसी में है तो ऐसे सही। ए निकल जाए हीरोइन, सिंगार ना होई अब तक। हो गया, जब तमें पता है मैं अपने काम पे अच्छे से तैयार होके जाऊं तो सुबह सुबह शोर क्यों मचा रखा है। जब सब लोग अच्छे से अपने काम पर तैयार होकर जा सकते हैं तो हम साफ सफाई वाले अपने काम पे बनठन कर क्यों नहीं जा सकते। अच्छा ठीक है, जा चली जा, जैसा तेरा जी करे, टाइम से चली जा जा। हाँ मैं तो टाइम से ही जाऊं। तुम काय को हंस रहे हो, देख ले। मैं क्या देखूं, जब गर्मी को निकले सारा काम देखे ऐसे। अरे पालू की छोरी, बहुत बढ़िया साफ सफाई करे। अरे बड़ी गजब है, हीरोइन लग गए। हाँ बिल्कुल हीरोइन है, गड़बड़ तो लगाती है। ओहो हीरोइन जा रही है भाई। हाँ भाई जा तो रही। अरे मकान मान जा, तेरी इंस्ट्रूमेंट लाची जदुआ। अब क्या लगा मका तेरे बोल्ड से कस दूंगा। नहीं तो मोर बना देती महाराज। हाँ बढ़िया बुआ जी, तो कह रहे थे बैठी तू नहीं। राम राम जी। राम राम, राम बेटा राम राम, राम राम। अरे इस पल्लू की छोरी का भी गजब ही है भाई, जैसी साफ सुथरी खुद रहे और काम भी इतना ही साफ करे। सही कह रहे हो तुम, इस बात पे तो सारे गांव में चर्चा हो रहा, छोरी में कोई कमी ना। ऐसा बालक जो है वो दो घर सुधार दे, एक जिस में पैदा हो वो और जिस घर जाके उसका भी बस स्वर्ग ही बना दे। हाँ ठीक है, भगवान बनाए रखे इसे। अरे भाई मुझे तो प्रधान जी के दौरे भी जाना था, अब तो लेट हो गया भाई मामला। बेटी वैसे तो तेरी सफाई में कोई कमी ना, पर आज थोड़ी अच्छे से कर दियो, आज हमारा बेटा आ रहा। अच्छा जी, थारा कौन सा छोरा है, मैंने तो कभी ना देखा। हाँ बेटी तुमने देखा ना होगा, बालकपन से वो अपने मामा के ही रह रहा है, अब उसकी पढ़ाई पूरी होगी, अब वो यही रहेगा। ठीक है जी, आज और अच्छी ढाल सफाई कर दूंगी। चाची राम राम। राम राम भाई राम राम। खान राम राम, राम, राम खाते गए नहीं मुकेश को अड्डे पे लेने। बस नहीं चाची, की बांधी की ढाल गए और तूफान की ढाल आए। छिया ऐसे का हवाई जहाज ले रहे हो, मारा ट्रैक्टर या बुग्गी ले जाओ। चाची तन्ने इसकी स्पीड ना देखी अभी, मैं छठा गियर लग जाना तो राजधानी एक्सप्रेस से भी तेज दौड़े हूँ। अरे जाओ जैसे भी जाते हो, भगवान ने थारे गियर लगा रखे, जाओ लेकर आओ हमारे छोरे को। ओए होए अरे चाची है चल। बेटी तेरे दौरे थोड़ा सा टाइम होवे तो ट्वेल्व पे भी सफाई करी आइयो। ठीक है जी कर आऊंगी। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। तू सोलू गोलू दिखे। अरे सोलू गोलू। अरे सोलू भाई हमें कोई आवाज दे रहा दिखे। अरे लगाना दे, हम पहले ही लेट हो रहे हैं। हाँ हम पहले ही लेट हो रहे हैं, अरे अब हम आवाज लगा रहा। हाँ बता ले। हाँ पर तू नू सोच, अगर कोई हमें आवाज लगा रहा है तो जरूर कोई हमें जानता होगा। करवा दिए आवाज मारने वाले ने। अरे मेरे बेटा आवाज के तीर मार गया। अरे गोल्लू सोल्लू हो के। हाँ हम तो गोल्लू सोल्लू हैं, पर भाई तू के राज है। और भाई बात सुन ले,
दिखे तुझे कोई काम हो तो अभी मत बताइए, अभी हम वैसे बिजी चल रहे हैं। मारा यार आ रहा उसे लेन जा रहे हैं। अरे मुझे थार ते कोई काम ना है, पर मैं तो न्यू बताना आया हूँ, थारा वो यार आ लिया। आ लिया? हाँ मारे स्टैंड पे जाने से पहले आ लिया। अरे गोलू गोलू, अरे यार तो हमारे बचपन का यार से मुकेश। अरे यू तो हमारा कच्चे का यार है मुकेश। अरे भाई अरे भाई कहाँ चला गया था? अरे भाई मारी भी के जिंदगी थी तेरे बिन, अब आ गया तू बस, और अब शुरू करेंगे दोबारा से जिंदगी। चल बैठ साइकिल पे। इस पे? हाँ भाई, इसे तू राजधानी एक्सप्रेस समझिए। अभी तन्नेस के कारनामे देखे कहाँ है? अभी तो देखा है। अरे भाई वो कोई कारनामा ना था, वाता मारा करने का स्टाइल था। भाई तू इस पे बैठ के तो देख, 2 मिनट में घर पहुँचेगा। पर यार 2 मिनट में घर जाना तो ना है, तो आराम से चलेंगे बात करते हुए। हाँ, कहिए पते की बात। चलो और सुनाओ भाई गांव की। गांव की? भाई गांव की तो अपनी आंखों से देख लीजिए खुद। अरे यहां हमारी एक 12 भी तो थी। ये लो जी 12 तो हो गई एक नंबर की चकाचक। अब मैं जाके नहा लेती हूँ, बड़े दिन बाद मौका मिला है। फिर क्या था, हमने कर दिया। अरे क्या होया भैया? रुकना पड़ेगा, दबाव जोर से लग रहा है। अच्छा और तेरे? मेरा भी यही हो रहा भाई, हम तो गैली का, मैं गैली का मैं। हाँ हाँ जल्दी जाओ। इतने ये निमट काम है, इतनी ट्वेली देख लूं अपनी। क्या ये 12 आपकी है? नहीं तो क्या तेरे बाप की है? जितनी सुंदर है उतनी गर्म। जा अब क्या देख रहा है? आया बनके लाड साहब, सीधा मुंह उठाए चले आ रहा है। ट्वेल्व पे घूमी आ दिखे। अरे यार एक बात बताओ, यह 12 मारी थी ना? यू तो अभी थारी है, पिताजी ने किसी को बेचबाज तो ना दी? अरे नहीं भाई, हम तो रोज ही कभी चाचा ही गया कभी चाचा ही गया, रोज ही 12 पा में। अच्छा हाँ चलो। नमस्ते पिताजी। अरे मुकेश। नमस्ते भाई, और ठीक ठाक? हाँ जी। अच्छा अरे मुकेश की माँ। हाँ जी। देखिए मुकेश आ गया। माँ नमस्ते। जी तारे बेटा तू ठीक है? हाँ। या तो रोज याद कराती, पता नहीं कद को आएगा। रुको राम राम बेटा, राम राम। राम राम
जी। राम राम बेटा, करिए ट्वेल्व पे सफाई। हाँ जी करिए, बिल्कुल चकाचक जाके देखिए। खुश रहो बेटा, तुझे सुतरा सा छोरा मिला। चाची राम राम। अरे राम राम गोल्लू सोल्लू, कहाँ धक्के खाते फिरो? तड़की तड़की धक्के खाते ना फिरे, हम तो नाशपाती खाते फिरे। अरे हाँ, हम तो भूल गए, तुझे नथू की बहू बुला रही। हाँ हाँ भाई, ले हो आओ, उसके कई तकादे आ गए। अरे चाची, मरा यार कहाँ है? हम तो उससे मिलने आए थे। वो अपने पिताजी की गैर लगा खेतों पर चला गया। नू लग गए भाई, जल्दी काम संभाल लेवेगा। चल खेत पे चले। चल ये तो वही लड़का है जो 12 पे था, ये तो नंबरदार का छोरा है। ये कुछ कहेगा तो नहीं? क्या ये घर भी आपका है? नहीं, आपके बाप का है। तो तुम झाड़ू लगाती हो? हाँ, मैं जमेदार नहीं हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, देख लो। वही तो देख रहा हूँ कि कोई झाड़ू के काम को भी इतनी शान से कर सके। हाँ, काम कोई भी हो उसे मन लगाकर ही करना चाहिए। सही बात है, बहुत ही गजब सोच है तुम्हारी। और मेरी भी हमारे घर वालों से यही लड़ाई थी, वे मुझे पढ़ा लिखा के अफसर बनाना चाहते थे और मैं पढ़ लिख के किसान बनना चाहूँ था। अच्छा जी। हाँ, ताकि लोग मेरे खेतों को देख के कह सकें कि देखो ये खेत है मुकेश के, और आज तुझे देख के, तेरा काम करने का तरीका देख के बहुत अच्छा लगा, वाकई तेरी सोच बहुत अच्छी है। और तू भी भाई, इसकी चाल, इसकी ढाल, इसके कपड़े, सब कुछ अच्छा है भाई। यू तो हमारे गांव की हीरोइन है। अरे या तो हीरोइन है, तम के हो भाई। होते तो हम भी बहुत कुछ, पर थोड़ी गलत जगह पैदा हो गए। हाँ, खेतों में दही तुड़वानी पड़ रही है। फिलहाल कहाँ दही तुड़ा के आ रहे हो तुम? बस
राम राम नंबरदार। राम राम धन्नो, राम राम। राम राम नंबरदार नी। राम राम धन्नो, आज छोरी ना आई? नंबरदार नी, आज छोरी पहली बार सो के ना उठी। अच्छा, ऐसी तो ना आवा, पता घणी का मेरी छोरी है। फिर के बात हुई? यही तो मैं कहूँ, जीवन में पहली बार छोरी ने यू कहा, काम को मेरा मन ना है। अच्छा, कोई बात ना है, जाके डॉक्टर को दिखा देना, कोई हड़कल हो रही होगी। ठीक है, अब तो जाके ही देखूंगी। नंबरदानी, हाँ छोरा को ना पहचाना ना। यू मारम हो क्या ऐसे? यू तो जवान हो गया। देख ले दन्नो, अब तेरे पैदा करवाए हुए बालक भी जवान होने लग रहे। तू ही दाई थी जब ये पैदा हुआ। हाँ नंबरदार, ये तो मुझे खूब याद है, यू तो मैंने बहुत खिलाया। और जब मैं उसका कागवा खाया करूँ थी तो ही मेरी उंगली काट लिया करा था। तो ये बचपन से ही सवरा खुरा बात थी। और अब कहीं नौकरी वोकरी कर रहा है के? नौकरी तो नहीं कर रहा धन्नो, यही तो इसकी हमारी लड़ाई है, यो खेती करना चाहे। नौकरी तो इसके मामा दस जगह लगवा दे, अरे बड़े बड़े अफसर हैं, पर नौकरी तो ना करता, बालकपन से खेती का बहुत सवार है। कोई बात ना, थारी तो खेती भी बतेरी है। चाचा राम राम, चाचा राम राम, चाची राम राम, चाची राम राम। अरे ये धुम्मा करते आ रहे धुम्मा रे चाचा, गांव में बम फट गया। बम? हाँ। कोई रुक करो तो यानी भाई। चाचा यू बगैर रुके का बम है सरंचर वाला। हाँ। अरे ढंग से बताओ क्या हुआ। अरे चाची के बतावे, ढिल्ले की बहू भागती तो हमने भी सुनी, पर यहाँ ढिल्ले की छोरी भागती रगड़ू के छोरे की गेंद। हाँ। रगड़ू, रगड़ू चाकी वाला। हाँ। ये तो बड़ा अलग्रण हो रहा भाई, गांव के गांव में छोरे छोरियों को लेकर भागने लगे। जमाना घना ही खराब होता जा रहा। बिल्कुल। मुकेश के पिताजी नू सुन सुन क्या मेरा जी घबरा रहा, आप भी कुछ करो, जल्दी मुकेश का ब्याह करो। अरे भगवान तू ना घबरावे, मुकेश की खातिर तो मैं बिरादरी की सबसे सोनी छोरी लम्बा ढूंढ गए। मारा मुकेश लाखों में एक है, खामई का टेंशन ले रही। मैंने जब से बात सुनी है मुझे बहुत डर से लग रहा है। तुम भी मोनिका के लिए कोई छोरा देख लो। तुझे पता है हमारी मोनिका लाखों में एक है, और उसके लिए लड़का भी ऐसे ही देखना पड़ेगा। रहन दो, पाम जमीन पे धर लो। तुझे पता है मोनिका हमारी बिरादरी की ना 36 बिरादरी की शान है, समझी? और तू देखती रहियो, तुझे पता है हमारी छोरी के लिए ऐसा छोरा देखूंगा। हाँ भाई, कौन? तुमने पहचाना नहीं, ये महावीर नंबरदार का छोरा है। आ जा भाई नंबरदार, अंदर आ जा भाई। हाँ भाई, आ जा भीतर आ जा। गरीबों के घर कैसे आए बाबूजी? यहीं बैठो, बैठ जाओ। अब बैठ गए, अब बताओ। ओ जी, जब मुझे पता चला कि आपने मुझे बचपन में बहुत खिलाया है तो मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछ लूं बचपन की कुछ बात। खिलाया तेरे तो मैंने बहुत लाड़ करे, तेरी कोई बुआ बहन तो थी नहीं, मैं ही खिलाया करूं थी। मेरे बचपन की कुछ बात तो बताओ। कितनी बात बता दूंगी मैं तो। अरे तावरी चलिए, मारी लालू की बहू पे बालक होने वाला है। अरे भाई मुझे भी पता है, कल देख के आई हूँ, पहले बता के आई हूँ, एक दो दिन में हो जाएगा, चल चलती हूँ। हाँ बाबूजी बैठो। हाँ जी जल्दी चलो। हाँ हाँ चल रही हूँ। हाँ बाबूजी आप बैठो, मैं भी आती हूँ। मोनिका बाबूजी बैठे, कुछ चाय पानी कर दियो। मेरी कल की कोई बात बुरी लगी के?
तो फिर आज आई क्यों नहीं? बस ऐसे ही। कोई बात तो होगी, मैंने सुना तन्ने आज तक अपने काम से छुट्टी नहीं करी, फिर आज क्यों करी? मुझे डर सा लग रहा है। बातों से तो बड़ी हिम्मत वाली लगे, मेरे तो डर गई। नहीं, अपने आप थी। हैं? या बात समझ नहीं आई? बाद में समझ लेना, अभी तुम चले जाओ यहाँ से, कोई आ जाएगा। तुम कल आओगी? मेरा भाई आने वाला हो रहा है। पहले हाँ करेगी, कल आऊंगी तो जाऊंगा। ठीक है बाबा, कल आ जाऊंगी। पक्का? माँ, मोनिका। हाँ, क्या बात है? माँ कहाँ गई? लालू के गई है गुजरों के। अरे गई ना तू आज काम पे? अरे यू कौन था? मुझे क्या पता, माधोरे आए था। ना आज ना आई। अरे भाई बस क्या बताऊं, लगे आज पहला ऐसा दिन जाएगा जिस दिन हम उसे देख नहीं पाएंगे। भाई सही कह रहा, वो भगवान ने वो चीज ऐसी बनाई है, पता ना पर वो किसके लिए बनाई है। अरे आ रहा है वो जिसके लिए बनाई। कौन? महावीर का लौंडा। मतलब? मतलब क्या, कल गांव में आया, आज उसके घर भी चला गया। अच्छा जी। अच्छा जी क्या? अरे रहना तो तुम, वो ऐसी ना है, आज लो किसी की हिम्मत ना पड़ी उसे कुछ कहने की। रे किसी की के मारी ना पड़ी। रे बात तो तुम ठीक कह रहे, यू माल हमारे हाथ से निकल गया तो क्या होगा। चल चुप कर चुप, ज्यादा बकवास न करे वरना जंग हो जाएगी जंग। अरे रहने दो तुम, इस गांव में मैं कत्लेआम मचा दूंगा। अरे कत्लेआम तो तुम बाद में करियो, आ कल देखेंगे उसे। तो चलो चलो। पता नहीं कल आओगी भी अखनी, आनी तो चाहिए, बोला तो है उसने। कल जाऊं के ना जाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे भगवान, कुछ तो रास्ता दिखा। तुम कल आओगी? पागल सा, बताओ यही चला आया। कल तो इतना उतावला आ रहा था, आज तो दिखाई भी नहीं दे रहा। वो देर रात तक नींद नहीं आई, तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा, फिर पता नहीं कद आई। अच्छा? हाँ सच्ची, समझ में नहीं आ रहा था तू आओगी नहीं आवे। अच्छा बता, अब तो आ गई, क्या बात है? वो तू मुझे अच्छी लगे। अच्छी तो मैं सबको लगूं, इसमें कोई नई बात नहीं है। मतलब मेरा मतलब है कि ऐसा जी करूँ जा के तुझे देखता रहूं, तेरे से बात करता रहूं। अच्छा दीवाना हो रहा है?
प्यार करने लगा मेरे ते, ब्याह करेगा मेरे गेल, बहू बनाकर लाए इस घर में, रख लेंगे मुझे तेरे घर वाले, खा लेगा तू मेरे हाथ की रोटी, पी लेगा मेरे हाथ का पानी। निकल गई ना हवा।
मेरी जात में बहुत बड़ा फर्क है। तेरे और मेरे दिल में तो फर्क ना है। कहना आसान होता है जब निभाना पड़े। मुझे जब जो कुछ करना पड़ेगा मैं कर दूंगा, लेकिन तू ही पीछे हटगी तो मैं क्या करूंगा। मोनिका जब कोई कदम उठावे ना तो पीछे ना हटती, और जब ये रोग लगा ही लिया तो इसको भी शान से निभाऊंगी। लो जी दूध पी लो। अच्छा आराम, वो तड़की जरा जल्दी तैयार हो लिए, याद है ना छोरी देखकर चलना। अजी मेरे तो छोरे के ब्याह का ऐसा उमा चढ़ा, तड़की की बजाय वैसा कभी चलो। ठीक है, उतावली ना होवे, कल देख लिए बहुवी, अब सो जा। जी चल सो। सो कैसे, जैसे जैसे छोरी जवान होती जा रही ऐसे ऐसे मेरी नींद उड़ती जा रही है। क्यों, क्या कमी है हमारी छोरी में? कमी ना है हमारी छोरी में, कैसे ढूंढेंगे इसके ख्यालों का छोरा, जैसे जैसे इसकी सोच है। तू घबरावे मत ना, जब भगवान ने इसे बनाया तो इसके लिए जोड़ा भी बनाया होगा। ये बात आज तो कुछ और ही ढाल है। बिल्कुल, आज घर में हमारा राज है। कहाँ गए सारे? सब गए। अच्छा तो करो अपना राज, मैं अपना काम निपटा लूं। कर दिया ना बात का नाश। अच्छा जी, और की बिना रानी कैसा राजा भाई, राज में तो रानी साथ दे जभी तो मजा। अच्छा जी, तो क्या करना होगा रानी को? पहले इसको रख दे, अब मेरे साथ आ, मैं बताता हूँ के करना। ये क्या है? मोनिका, आज मैं वो खाना खाना चाहता हूँ जो तेरे हाथ से बना हो।
चाची, ओ चाची, यहाँ तो कोई ना दिखाई दे रहा। अरे यहाँ हो रहा मंगल मिलन, हम जंगल में फिर रहे हैं। इनसे डरने की जरूरत नहीं है मोनिका, तुम खाना खाओ। नहीं बस मेरा हो गया। हाँ अजी एक मिनट मारी भी सुन लो। दिखे मारे दोस्त ने कसम खाई है कि वह इस जीवन में थारा ख्याल अपने से भी ज्यादा रखेगा। क्यों भाई? और थारी इस मोहब्बत को देख के हम भी आज कसम खाते हैं, और थारी मोहब्बत के लिए अगर हमारी जान भी चली जाए तो हमें गम नहीं होगा। ढोलू ढोलू आप बहुत अच्छे हैं, आज ही पता चला। अरे हम तो आज ही अच्छे हुए हैं, और तू तो पैदाइश ही अच्छी है। भाई हीरोइन तो हीरो धोरे ही जा सके, पर ये बात हमने सोची नहीं कि हीरो तो मारी धोरे। अरे हम तो मुँह सोचे थे अब पता ना यू हूर परी किसके जावेगी। पर भाई अपनी कार उसकी जात का फर्क कैसे मिटाओगे? अरे यार जिस दिन ते वह मिली है मैं उसे ही तो ढूंढ रहा हूँ। किसे भाई? जिसने यह जात पात बनाई है। उससे पूछता तो सही, यू नाश्त ने क्यों कर सही बात। ये झाड़ू देखा है? पिछवाड़े में डाल के मोर बना दूंगी। मोर तो हम जरूर बनेंगे, पर उस दिन तेरी मोर नहीं जरूर बना देंगे। काश भगवान मुझे कोई ऐसी भी झाड़ू देता जिससे मैं लोगों के दिल भी साफ कर पाती। हाँ देखना मोनिका, एक दिन हम अपने विचारों को सभी लोगों तक पहुँचाएंगे और सभी लोगों को अपना काम श्रेष्ठ लगने लगेगा। फिर सभी लोग अपने काम से प्यार करेंगे और उसे अच्छी तरह करेंगे। काश ऐसा ही हो। केस अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो चुकी है। देर होगी? जब तू आवे टाइम इतनी तेज क्यों भाग गए? टाइम तो अपनी गति से चलता है, हमारा ही मन नहीं भरता। अच्छा मैं चलती हूँ। क्या बात है? मोर सामने थे हटो। कमाल है भाई, तेरी खातिर तो मोर बनने को भी तैयार। ये इच्छा तो मैं थारी इभी पूरी कर देती, शुक्र मनाओ मैं खाली हाथ हूँ। हाथ पैर गोड़ तो हम भी भर देंगे, आजा ना। तुम जानते नहीं मैं किस बिरादरी की हूँ, जो उन्हें पता चल गया तो तुम्हारा हाल क्या होगा। हाल फिलहाल तो तू अपना देख, पकड़ो रे इसे। अरे भाई तेरा नंबर तो हो लिया, अब हमें भी अपना नंबर लगा दे। चुप, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। अरे तू कौन सा धर्मात्मा है? तू पटावे तो प्यार और हम पटावे तो गुंडागर्दी। भाई मां ले यू तो, तू भी खा और हमें भी खान दे। मोनिका इज्जत है मेरी और मेरे जीते जी इसकी शान को कोई बट्टा नहीं लगा सकता। We'll be right back.
लड़की बिरादरी की सियान है, यू सियान है के? अरे पूरी बिरादरी की नाक कटा दी, ये का कम शान है? लड़की को इतनी छूट देना किसने बताया? अरे एकदम कुछ ना कहो सारे, इस मामले को मैं अपने आप देखूंगा। देख ले कहां डूब का मरा आयो, इनने बेइज्जती करवाण में कसर नहीं छोड़ी। ऐसा पता होता तो पहले इसका ब्याह कर देते ना, तो इसके मामा के रहने देते इसको। सारा गांव थू थू कर रहा हमारे पे, तन्ने हमें कहीं बोलने लायक नहीं छोड़ा। अरे क्या कसर रह गई थी हमारी तेरी परवरिश में, तेरे लाड में, प्यार में, तेरे खर्चे में? अरे महावीर के छोरे ने तो अलाकरण कर दिया। अरे उसे जमादार की छोरी मिली थी, इससे तो कहीं डूब के मर जाता। अरे नुई मत समझो, लौंडी कतई टप से। अरे चुप मर जा, ये काम ठीक ना होते। डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं भाई। लो भाई। ले बेटा खाना खा ले, खाना खा ले, ले ले ठीक है, दूध पी ले, तूने सुबह से कुछ ना खाया। भाई नू बीमारों की ढाल का दलो रहेगा। भाई खड़ा हो जा, कुछ काम धंधा देख, न्यू परेशान ना हो। 5 दिन हो गए उसकी शिकल देखो, कुछ तो करो। दोस्त घर का और गांव का माहौल ठीक ना इस टाइम? यार तुम उससे मुझे बस एक बार मिलवा दो, हर एहसान में जिंदगी भर नहीं भूलू। भाई हमारे हाथ में होता तो एक मिनट में मिलवा देते। मिलवा देते हम लाके दे देते। यार तुम एक काम तो कर सको, तुम उसके घर चले जाओ, देख के तो आओ वह कैसी है। भाई वे जमादार मेरा सुअर से पीट देंगे और कुछ। हाँ फिर हम तो नहीं हाना मिलने के भैया, कहीं कूड़े में पड़े मिलेंगे। तुम मैंने इतना भी नहीं कर सकते, जाओ यार। भाई तेरे लिए तुम जान भी दे सके पर हम तेरे हाथ जोड़े भाई, तुम्हारा कहना मान जा। तुम चले जाओ, कुछ भी मत करो, जो करना होगा मैं अपने आप कर लूं। अरे देख मजनू जा रहा है। मजनू? अच्छा आयु पाल लूगा जा भाई। अरे पर ये जा का रहा आयु? अरे जा रहा होगा कहाँ, अपनी ससुराल वहीं। ससुराल? हाँ पल्लू के। मुकेश की पता है? देखो तू भाई कहाँ जा रहा आज? भाई कोई ना कोई गड़बड़ है, चल देखें। महावीर का छोरा इस छोरी के चक्कर में बेकार हो लिया। गांव गांव ना अमेरिका हो लिया। अरे बाबू हमारी छोरी ऐसी ना थी, पर पता ना कैसे बुद्धि फिर की। बुद्धि ना फिरी, मैं कह रही जरूर जरूर किसी ने कुछ करवा रखा, पूरा पराया देख लियो। कोई बात नहीं, जो होगा मैं दिखा लूंगा और मैं ठीक करा दूंगा इसे, ठीक है? मोनिका कहाँ है? बाबूजी तू यहाँ से चला जा, इसमें थारी हमारी भलाई है। मैं बस एक बार मोनिका को देखना चाह रहा। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? दूर हटो, ये तुम पे हाथ नहीं उठा रहा तो तुम इसे कमजोर समझ रहे हो? प्यार करता है मुझसे इसलिए चुप है। बकवास बंद कर, मैं हाथ तोड़ दूंगा इसके। अच्छा इसके हाथ तोड़ोगे जिसने तुम्हारी बहन की इज्जत बचाई है? चुप मर जा, ये तो मर गई, तू ही मरेगी। हाँ, मारा भगाए जा। और आगे पढ़ के तो दिखाओ, मैं देखती हूँ कौन हाथ लगाता है इसके। अरे के तमाशा हो रहा है? नंबरदार तमाशा तुम्हारे छोरे ने बना रखा है, संभलता ना यू थारे पे। आप तन्ने तो अपनी छोरी संभाल के रखी होगी। नंबरदार हमारी छोरी हमारी मर्जी के बगैर अगर दहेज लाऊंगी तो हम उसी गर्दन काट देंगे, तुम अपने छोरे को समझा लो। चल रे, चल चल।
बेशर्मी की हद कर दी इसने, ये उनके घर तक चला गया। तुझे तेरे पिताजी की इज्जत का जरा सा भी ख्याल ना, तुझे तो बस वाई वाह दिखे है। कितनी शान की बात समझ रहा, इसे तो मेडल मिलना चाहिए। पिताजी मुझे न्यू समझ में नहीं आ रहा कि इस बात पे इतना ड्रामा क्यों है। मैं मोनिका से प्यार करूं और हम दोनों ब्याह करना चाहे। अरे चुप हो जा बेशरम, मेरे जीते जी यो नहीं हो सकता। एक जमादार की लड़की मेरे घर की बहू, हर चीज नहीं। मतलब जमादार की लड़की, इसमें क्या दिक्कत है? मखन बिरादरी में छोरी खत्म होगी क्या? माँ इसमें बिरादरी की बात कहाँ से आ गई? मैं मोनिका से शादी करना चाह रहा हूँ और मोनिका मेरे से करना चाह रही। वाह क्या झंडे गाड़ रहा हमारी इज्जत के, तन्ने मिट्टी में मिला दी हमारी शान। तुम इसे शान कहते हो? किसी को नीचा दिखाकर आपकी शान बढ़ती है, किसी को छोटा बताकर आपकी शान बढ़ती है, समाज को ऊंच नीच में बांटकर आपकी शान बढ़ती है, किसी को छू लेने से आपकी शान खराब हो जाती है, किसी से शादी कर लेने से आपकी शान खराब हो जाती है। कितनी खोखली और झूठी शान है आपकी। मैं शान उसको मानता हूँ जहाँ कोई ऊंच नीच ना हो, जहाँ किसी को सम्मान दे के हम हासिल कर सके वो शान होती है, जिसमें कोई छोटा और बड़ा ना हो, जिसमें समाज को बांटा ना जा सके वो शान होती है। तो तेरे कहने से मैं सारे रीति रिवाज ऊंच नीच जाति धर्म छोड़ कर बेगैरत बन जाऊं उस दो कोड़ी की छोकरी के लिए? वाह हमारे यहाँ इंसान की कीमत भी कोड़ियों में आंकी जाती है। शान को जाति धर्म की नजर से देखते हैं आप लोग। आपकी शान किसी को बेइज्जत करने में हो सकती है, लेकिन मोनिका की शान दूसरों को इज्जत देने में, समाज को स्वच्छ बनाने में, सामाजिक एकता बनाए रखने में। और मुझे गर्व है मैं ऐसी लड़की से प्यार करता हूँ। तेरी बुद्धि भ्रष्ट होली, वहां बनेगी मारे घर की बहू। हम पियेंगे उसके हाथ का पानी, हम खा लेंगे उसके हाथ की रोटी। तो इसमें बुराई की है? वे हमारे घर में झाड़ू लगा सके, हमारे खेतों में काम कर सके, उनकी औरतें आपके बच्चों के मुंह में उंगली देकर उनके ताल में उठा सकती हैं। आप उनके पन्नू आंख से लगाते हो तो आपकी बीमारियां दूर होती हैं, और जब शादी ब्याह की बात होती है तो आप भागते क्यों हैं? अरे भाई ब्याह और शादी समाज और बिरादरी के हिसाब से ही होवे। कमाल है माँ, कोई लड़की मुझे पसंद है, मेरा ब्याह वहाँ नहीं हो सकता, बल्कि जहाँ समाज चाहोगा वहाँ हो सके। अजीब रीति रिवाज है ये। हाँ तेरा ब्याह वहाँ होगा जहाँ हम चाहेंगे। अगर तुझे इस घर में रहना है तो तुझे हमारी बात माननी पड़ेगी। मैं ऐसे समाज और ऐसे घर में बिल्कुल नहीं रहना चाहता जहाँ इंसान की अपनी कोई इच्छा ना हो, जहाँ जो कुछ हो समाज की मर्जी का हो। बेटा मुकेश, रुक जा बेटा मुकेश। दो दिन में बुद्धि ठीक हो जाएगी इसकी। दस दिन हो गए पड़े हुए छोरी को बेसुध। उसके मामा बेचारे डॉक्टर साधु पीर सबको दिखा लिया। कैसी हस्ती खेलती छोरी थी, पता ना किसकी नजर लगी है। मैं तो पहले दिन से ही कह रही हूँ कुछ उपरी पर आया है, कुछ बढ़िया झाड़ा वाला मिल जाए तो ठीक हो जाए। मुकेश, रे मुकेश, पता ना कहाँ चिट्टी बढ़ के भट्ट में बढ़ गया, या आसमान पे चढ़ गया, या समंदर में बढ़ गया। देख इधर देख, तेरे भीतर बुद्धि ना बिल्कुल भी। एक बात बता, तू ये मुकेश को ढूंढने आया या भैंस को लठ लेके आया? ओ भैया, तुमने कहीं मुकेश देखा? भाई मुकेश तो तीन है, एक है मुकेश कुमार जिसे मरे हुए सालों बीत गए, और भाई एक है मुकेश अंबानी जो जहाजों में घूमे हैं, और भाई एक है मुकेश खन्ना जो महाभारत में भीष्म बना, और मैं हूँ राजेश। मेरा कुछ हो सके तो बताओ। तेरा क्या अचार खान लेंगे? अरे बहुत देर से चपड़ चपड़ कर रहा, तेरी उसमें लाठी दे दूंगा। और सुन बताने की बात ना, सोच ले कहां दे। चल चल चल। मुकेश मुकेश, अरे के मेरे यार, धरती गलगी आसमान ठाके लेगा मुकेश।
पता नहीं कहाँ चला गया यार। जल्दी चल, बहुत मंदा चल रहा है। मुकेश, 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 रे मुकेश। कुछ बात बनी ना बनी? ना जी ना, कुछ बात ना बनी। बस एक बार उठी और बोली मुकेश मुकेश। हे भगवान, अब हम क्या करें? कब तक ये नुई पड़ी रहेगी? अरे खड़ी हो जा, नू कदलो रो जाओगी अब। मैं ऐसे ही रहूंगी जब तक मेरे बेटा को ढूंढ कर न लाओगे। अब कहाँ ढूंढ लाऊंगा? कहीं से भी ढूंढ कर लाओ मेरे लाल को। अरे सारे को तो देखा। काट लेगी जान मेरी बोली वाली शान तेरी, दिल में बसी है, दिल में बसी। काट लेगी जान मेरी बोली वाली शान तेरी, दिल में बसी है, दिल में बसी। दिल में बसी है, दिल में बसी। सातवा गुजारी मने तने ओ सनम, हो आँखों से आंसू जारी, याद आवे रुतवा प्यारी, सातवा गुजारी मने तने ओ सनम। आज हम हैं दूर दूर, खुशियाँ होगी चूर चूर, उड़गी हंसी है दिल में बसी, दिल में बसी है, दिल में बसी। मेरे पे तू जान भूली, फांसी लग गया सूली, भूली तू मने सारी दुनिया छोड़ के, हो मेरे पे तू जाना भूली, फांसी लग गया सूली, भूली तू मने सारी दुनिया छोड़ के। अरे वो समाज आ गया तंग में, आज आ गया करूँ खुदकुशी है दिल में बसी, दिल में बसी है, दिल में बसी। भाई सारी दुनिया में घूम लिए पर कहीं मुकेश ना मिल रहा। अरे भाई मिल जावेगा, पर थक लिए, थोड़ा आराम कर ले। हो 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 हो। भाई भाई मुकेश, अरे सारी दुनिया में धक्के खा लिए भैया। भाई मुकेश,
भाई घर को चल। सब परेशान है भाई, भाई हाथ जुड़वा ले, चल घर को चल। भाई पांव पकड़वा ले, घर चल। हम तेरे दोस्त नहीं है, नहीं चले भाई घर को चल। चल भाई घर को चल, पत्थर हो रहा भाई। एक बार और सोच ले, चल घर को चल, सारे परेशान है वहां। चल भाई, भाई चल, मान भी जा भाई, देख ले एक बार। भाई चल इसके घर पे चलते हैं, चल। मुकेश, मोनिका चल खड़ी हो जा, नहा धो ले, उठ ले, कपड़े बदल ले। नहीं मामी, मेरा मन नहीं है। मंदिर चलेंगे, के पता भगवान ही कोई रास्ता दिखावे। चाचा, चाचा, चाचा। अरे के बात है, चाचा मुकेश मिल गया। अरे मुकेश कहाँ है, उसे गैल क्यों ना लाया था ना? अब हमने तो तेरा मन आया, पर हमारी गैल लाई ना आया। वो कहाँ है वो? चाची हम बता तो देंगे, पर बगैर मोनिका के इस घर में आवे को ना, हमने खूब मना के देख लिया। अरे तुम बताओ मुझे, मैं लाऊंगी उसे। चलो हम तुम्हें वही ले चलेंगे, पर ये सोच लीजो कभी हम वहां तक जावे तो देर हो जावे। ना ऐसे ना कहो बेटा, ऐसे ना कहो, तुम सुन रहे हो, बचा लो मेरे लाल को। तो इब बता मैं क्या करूं? आप कुछ ना करो, मैं ही करूंगी जो कुछ करना मुझे। चलो भाई साहब का फोन आया था, उस दिन था छोरी ने टुकड़ा नहीं तोड़ा, मर जाएगी वो। मरेगी अब तो, इसमें हम क्या कर सके? तुम मर जाएंगे, नुई मार बच्चे। कौन बचाएगा, कैसे बचेंगे, कोई सुनता भी तो नहीं है हमारी। मैं तेरे हाथ जोड़ूंगा धन्नो। अब तू ही उसे बचाने का रास्ता बता। मैं क्या करूं नंबरदारनी, मैं तो खुद बेबस हूँ। भाई पालू मैं तेरे हाथ जोड़ू, तू अपनी मोनिका हमें दे दे। क्या कह रहे हो नंबरदार, मैं कुछ समझा नहीं। पल्लू मैं मोनिका का हाथ मांग रहा मुकेश के लिए। नंबरदार ये क्या कह रहे हो आप? हाँ पल्लू, इस बदलते हुए समय को हमें समझना पड़ेगा और तार के फेंकने पड़ेंगे ये सारे पुराने रीति रिवाज, और अपने बच्चों के पीछे चलना पड़ेगा हमें इस नए युग में। आ धन्ना, मेरी बहू कहाँ है बता मुझे तावली सी, चल मुझे मिला तो दे उससे। चलो चलते हैं। देखिए आज भी तो अच्छी लगी तू। देखिए वहां कोई बैठा है, उसे ही प्रसाद दिया जा। लो प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो। मोनिका, मुकेश कहाँ थे तुम? मैं तुझे खोज रहा था। ये क्या हाल बना रखा है? गंदा लग रहा हूँ ना? नहीं बहुत अच्छे लग रहे हो। अरे अच्छे तो हम भी हैं। हमने भी बहुत मेहनत कर रखी है भाई, हमारा भी नंबर आने दे। देखो भैया यहाँ तक चले जाओ, हम बड़ी मुश्किल से मिले हैं और मैं लड़ना नहीं चाहता। तू लड़ना नहीं चाहता, हम तो चाहते हैं। पकड़ो रे इसे। मुकेश तू
ठीक तो रहना बेटा। माँ मैं मोनिका को लेकर कहीं चला जाऊंगा। मुकेश गांव छोड़कर वो जाते हैं जिन्होंने गलत किया हो। तुमने तो आज एक मिसाल कायम की है। जो काम सदियों पहले हो जाना चाहिए था वो तुमने आज किया है। तुमने मेरी शान बढ़ा दी है बेटे। नंबरदार मुकेश जैसा छोरा हर घर में हो जाए तो समाज को बदलते देर नहीं लगेगी। पल्लू तुम आज से मुझे लंबरदार नहीं, हम सब आज से संबंधी हैं भाई।